जय भीम। दोस्तों पहले इस वीडियो को देखो, उसके बाद मैं आज अपने इस समाज की कायरता पे बात करने वाला हूँ। मैं आज अपने इस समाज की नपुंसकता पे बात करने वाला हूँ। आज मैं अपने समाज के उन लोगों की बात करने वाला हूँ जो अपनी तुच्छ मानसिकता समाज के पीड़ित शोषितों के बीच में छोड़ जाते हैं, जिससे कि उनका मान सम्मान स्वाभिमान बचने की जगह नीलाम हो जाता है। दोस्तों मैं आज अपने इस समाज के स्वामित्व पर सवाल खड़ा करने वाला हूँ। उससे पहले आप इस वीडियो को ध्यान से देख लो ध्यान से। जो हाथ में देसी कट्टा लिए हैं और दलितों की बस्ती में जाकर कच्चे की दम पर चिल्लाती हुई कहते हैं, वो गाली देते नजर आ रहे हैं। दोस्तों ये वही वीडियो है जो आजकल सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। खैर, आप कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री को तो जानते होंगे। अरे वही जो मंचों से गला फाड़ता है, जो शांति और संस्कार सिखाने की वजह भड़काऊ भाषण देता है, जिसके बयानों से लगता है कि कथावाचक कम मदारी वाला ज्यादा है। हमने इसकी एक वीडियो देखा था जिसमें इन्होंने कहा था कि नशेड़ी गजेड़ी मांस मदिरा करने वाले हमारे समाज के नहीं हो सकते, लेकिन वीडियो में जो शख्स दिख रहा है तमंचा लहराते हुए और नशे में धूर्त हुड़दंग मचाते हुए, ये शख्स कोई और नहीं बल्कि इसी धीरेन्द्र शास्त्री का भाई शालिग्राम गर्ग है, जो छत्तरपुर की एक दलित बेटी की बारात में जाकर हुड़दंगई मचाता है, अपनी मर्जी चलाता है और मर्जी न मानने पर कट्टा दिखाकर जान से मारने की धमकी देता है और माँ बहनों की गालियाँ देता है। गाली भी कौन कौन सा दिया है वो सब मैं आपको बताऊँगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद तमाम जो दलित युवा नेता हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, उन लोगों ने इस वीडियो को शेयर करते हुए इसकी गिरफ्तारी की मांग की। और जैसे ही गिरफ्तारी की मांग उठी उसके बाद एक और वीडियो आ जाता है परिवार की तरफ से। खैर किसने वीडियो बनाया मतलब पता नहीं, खैर लेकिन इस वीडियो को पहले ध्यान से देखो। विवाद विवाद तो बता रहे लोग, विवाद था तो मैं धमकी दी। हमें साहब कोई ना धमकी नहीं दी साहब। अब जो देखो तो कहे यहाँ पे मारा जाए थे। धमकी दे दी कौन ने? अब धमकी का तो हमें पता नहीं। होगा तो कट्टा ले। अब कट्टा तो हमने देखा नहीं है, तो अच्छा देखी। ये वही परिवार है जो कल तक शालिग्राम गर्ग के ऊपर आरोप लगा रहा था। आज वही परिवार ये कह रहा है कि महाराज जी आए थे। सोचो एक नशेड़ी गजेड़ी को महाराज जी कहा जा रहा है। खैर कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात है। जैसे हमारे समाज के ऊपर अत्याचार होता है और हमारा समाज आवाज़ उठाने की कोशिश करता है, उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। अब समझ सकते हैं कि क्या हुआ होगा। खैर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब एक परिवार कह रहा है कि महाराज जी आए थे, हाथ में पिस्टल नहीं टार्च थी और वो शांति बनाए रखने के लिए कह रहे थे कि गाना जो है स्लो बजाओ। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस दिन की जो वीडियो है उस वीडियो में साफ तौर पे पिस्टल लहराते हुए यह शख्स देखा जा सकता है, और उतना ही नहीं बल्कि मुंह में सिगरेट लेकर पीते हुए भी देखा जा सकता है। अब यहाँ भी नहीं मानेंगे, अब मैं उस थाने की तहरीर दिखाना चाहूँगा जिसमें इन लोगों ने बयान दिया है बेकायदे, ठीक है? तो आप उसको भी देख लो और हमारे पास भी कुछ सबूत हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, खैर मैं आपको बता देता हूँ, गाड़ा बमीठा छत्तरपुर मध्य प्रदेश से, ठीक है? थाना प्रभारी का यहाँ नंबर भी है 7000198004, ठीक है? और शालिग्राम के ऊपर धाराएं क्या लगी हैं इन लोगों के बयान के बाद, 294, 323, 506, 427, ठीक है? और SC ST एक्ट भी लगा हुआ है। इन लोगों ने बयान क्या दिया है ये भी सुन लो। कल्लू अहिरवार पिता स्वर्गीय अल्दुआ अहिरवार, ठीक है? उम्र 55 वर्ष, मेरी पुत्री सीता अहिरवार जिस बेटी की शादी ग्राम अक्टोहा हो रही है, रात करीब 12 बजे इसी ग्राम का शालिग्राम गर्ग मेरे घर लगे टेंट में आया और माँ बहन की गंदी गालियाँ देता हुआ बोला, माधर चोद तेरी माँ की, मैं अब आगे नहीं बोलना चाहता, भोसड़ी के ग्राम क्यों मतलब गाना क्यों बजा रहा है, सिगरेट जलाकर पीते हुए हाथ में कट्टा लेकर जान से मारने की धमकी दे रहा था। सुन लिया?
खैर अब इससे भी पुष्टि नहीं होगा तो उस सीता अहिरवार यानी जिस बेटी की शादी थी उसके गांव के लोगों की वीडियो देखता, यहां भी आपको दिखाता हूं जो लोग बारात में आए थे, देख लो ध्यान से। नरेश कुमार अहिरवार नाम है मेरा, ग्राम अटकुहा का रहने वाला हूं। हम लोग एक बारात में गए थे ग्राम गढ़ा, धीरेन्द्र शास्त्री के भाई अलक राम गर्ग जी आए हाथ में पिस्टल और सिगरेट लेते हुए चले आए। उन्होंने फिर कुछ लोगों को मारा और कुर्सियाँ तोड़ी और पिस्टल चलाई और चले गए। उनको बागेश्वर धाम के कुछ लड़के आए उनको लेके गए। हम हर प्रसाद अहिरवार है जी, हम अटकुहा गांव से है। हम लोग आकाश से, हमारे मोहल्ले से ही आकाश की बारात गई थी गढ़ा। ये छोटे वाले बता रहे थे वो लोग कि बाबा के भाई हैं वो, और नशा तो सभी नशे कर रहे थे वो लोग। वहाँ से सीधे आए तो गाली गलौज करते आए सीधे। उन्होंने कुछ नाम से बोला नहीं कि क्यों करते हो, सीधे गाली गलौज करने लगे। ना समझाया कुछ नहीं, सीधे मतलब जैसे गुंडी टाइप की, मतलब कि महाराज उन्हीं को मारते थे वो, जोर से घूसा भी और लात भी, और गाली गलौज भी कर रहे थे उनके साथ बुरी बुरी। हाथ उनके हाथ में एक पिस्टल थी, मतलब पिस्टल थी, और वो ना सिगरेट भी पीते थे और पिए थे हाथ में, लेते थे और सिगरेट, और गाली गलौज बहुत तेज से कर रहे थे। क्या नाम है आपका? बराती। कहाँ के रहने वाले हैं? अटकुहा के। क्या घटना? मारपीट करने लगो, हथियार भी ले तो। अब सुन लिया, यानी उस दिन वो कट्टा लेकर आया था, डरा रहा था, धमका रहा था, जान से मारने की धमकी भी दे रहा था, जो लोग उसे मना रहे थे उसे भी मार रहा था। सोचो हमारे ही समाज के पैसों पर पलने वाले भिखारी हम ही लोगों के ऊपर रौब जमा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ सरकार से निवेदन हाथ जोड़ के कि भाई इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन यहाँ मैं उस समाज से भी कहना चाहता हूँ, उस परिवार से भी कहना चाहता हूँ जो आज डर से अपने बयान को पलट रहे हैं, अपने बयान को तोड़ मड़ो रहे हैं, और डर, और शायद उनके अंदर डर है। लेकिन उस समाज से कहना चाहता हूँ कि आप जो ये डर दिखा रहे हो ना, ये डर सिर्फ आपका नहीं है। अगर आप डर गए तो देश भर के करोड़ों दलित, शोषित, पीड़ित, अपमानित लोग डर जाएंगे और उनकी आवाज़ जो है दब जाएगी, उनको न्याय नहीं मिल पाएगा। आपके माध्यम से ऐसे माफियाओं की, गुंडों की आवाज़ यहाँ तक आई है, तो आप आवाज़ उठाएं निडर होकर। आपके साथ पूरा समाज है। सोचो अगर आप आज डर रहे हो, अगर कल बाबा साहब भी डरे होते तो आज आप जहाँ हैं वहाँ ना होते, आप अच्छे कपड़े ना पहन पाते, आप इतने तामझाम से, इतने स्वाभिमान से आप अपनी बेटी की शादी ना कर पाते। जिस तरह दलितों को घोड़ी चढ़ने पर मना किया जाता है, उसी तरह शानो शौकत से शादी करने पर भी पाबंदी लगा दी जाती है। लेकिन बाबा साहब ने अपमान सहकर, ठोकर सहकर आपको सम्मान दिया, आपको अधिकार दिया कि आप शानो शौकत से रह सकें, अच्छे खा सकें, अच्छे पहन सकें, अच्छे शादियाँ कर सकें। अरे बाबा साहब के बच्चे बिना कफन के दफन हो गए, और आज आप लोग सिर्फ खुद के लिए जी रहे हैं। समाज का हर युवा, हर नेता निडर होकर अपनी जान जोखिम में लगाकर आप लोगों की आवाज़ उठा रहा है, आपके मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है, और आप लोग उसके साथ खड़े होने से भी कतरा रहे हैं। प्लीज़ आप लोग ऐसा मत करिए, आप लोग खड़े रहिए, आप लोगों के साथ पूरा समाज खड़ा है, डरने की कोई बात नहीं है। ऐसे अपराधियों को, ऐसे गुंडों को, ऐसे सड़क छाप मंचलों को सबक तो सिखाना ही होगा, और ये ज़रूरी है क्योंकि हमारे समाज के साथ ये पहली बार नहीं बल्कि हमेशा होता आता है। किसी की खबर यहाँ तक पहुँच जाती है, किसी की नहीं, लेकिन जिसकी पहुँची है उसके बाल बीनना भी ज़रूरी है। जय भीम, जय भारत।